एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे AGTA की भर्ती को लेकर के, और वहीं पे साथ ही साथ RO को लेकर के, और BU विज्ञप्ति कब तक आएगी जो आप लोगों की क्वेरीज है इसके बारे में भी चर्चा जो है की जाएगी, और PET 2.0 से एक भर्ती और आ सकती है वो कब तक आएगी ये भी बात होगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो है देखेंगे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट के बारे में, आप लोग काफ़ी क्वेरीज आई थी इसके बारे में बताएं कब तक परिणाम जो है आने की पूरी संभावना UPSC जारी कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट की वीडियो जो है आपको मिलती रहे। आज के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त के दिन जो है झंडे के नीचे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो भविष्य राष्ट्र के लिए जो हर व्यक्ति जो है खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाता है और ध्वजारोहण किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले के प्राचीर से जो है एक प्रकार से देश को संबोधित किया जाता है। उपलब्धियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं। तो आज के दिन जो हॉलीडे भी रहता है, छुट्टी भी रहती है, तो छोटी छोटी कुछ खबरें हैं जिसको आज देख लेते हैं, उसके बाद आगे की अपडेट में फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं AGTA की जो भर्ती है ना, AGTA की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा को उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग में जो है डाटा जाने के बाद फिर डाटा में थोड़ा सा परिवर्तन, कहने का मतलब फॉर्मेट का तो था वो फिर नहीं हो पाया, फिर उसके बाद हुआ एक बार फिर जाया, फिर तो थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो एक बार जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो इससे संबंधित जो है आयोग से संपर्क करके थोड़ी सी गुजारिश करें तो हो सकता है ये प्रोसेस तेज़ी के साथ आगे बढ़े और UPSC इसको लेकर के फिर विज्ञप्ति जारी करेगा और तेज़ी के साथ काम भी हो जाएगा इस पर। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा से RO की विज्ञप्ति को लेकर के जो क्वेरीज थी, तो RO विज्ञप्ति जो है वो बताने के 1 सितंबर में जो है आयोग जो है इसको जारी करेगा और पदों की संख्या 350 थी और 350 के लगभग पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। हाँ, एक चीज़ है, परीक्षाएँ जो होंगी इसकी 1 से 1.5 महीने के बाद जो परीक्षा करा ली जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरह RO के बाद जो है BU की विज्ञप्ति आ जाएगी। BU की विज्ञप्ति में पदों की संख्या जितनी भी है उसी पे जो है BU की विज्ञप्ति बनी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, लेकिन RO के बाद आएगी। उसके बाद LT ग्रेड की चर्चा है, तो LT ग्रेड पर भी फिलहाल अपडेट नहीं है, अपडेट जो है इन्हीं दो भर्तियों को लेकर के जो काम चल रहा है और यही दो भर्ती जो है देखने को मिलेगी। क्योंकि आयोग से जब भी कोई क्वेरीज करेंगे तो एक ही जवाब हिसाब किताब वही आता है कि मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कि थोड़ा सा उसको डिले कर दिया जाता है। आयोग जो है अपने मन से ही कार्य को करता है और जब समय होता है तो समय अनुसार जो भर्ती को जो है जारी कर देता है। तो कुल मिला के जाने की इस माह तो नहीं लेकिन अगले माह में जो है ज़रूर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अब वहीं PET 2.0 की बात कर लें तो PET 2.0 से जो भर्ती आएगी वो जूनियर इंजीनियर की भर्ती देखने को मिल सकती है, प्रोसेस में है और अधियाचना आ चुके हैं, उसको लेकर का आयोग को निर्णय लेना कि ये विज्ञप्ति कब तक जारी हो। हाँ, ये है कि PET 2.0 के आधार पर लास्ट तक जो है, क्योंकि अभी जो है वीडियो रिवाइज आंसर की भी साथ ही साथ चर्चा कर लें तो इसकी रिवाइज आंसर की आएगी और नया जो VPO का फॉर्म पड़ा उसकी परीक्षा जो है टेंटेटिव माह नवंबर में है। तो ये कार्य जो है प्रणाली है UPSC जैसा कि कल की भी वीडियो में बता दिया गया था, और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वालों को रिजल्ट जो है बस कुछ दिन का वेट करना है ना। तो ऐसा नहीं है आज जैसे है कि आज तो कार्य नहीं होगा, लेकिन इस वीक जो है ABT पे जो है रिजल्ट की पूरी संभावना की वो जारी हो जाएगा UPSC से। तो क्योंकि इसके बाद जो है फिर ASU का जो है परिणाम वो भी है जारी होने को, तो बैक टू बैक जो है ये परिणाम दो जो है UPSC से जारी हो जाएंगे 10 सितंबर के पहले। तो कुल मिला के जो 15-20 दिन का पीरियड है इन पीरियड का इंतजार करिए और ये दोनों परिणाम बैक टू बैक देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल जो स्टार्ट लिस्टिंग एक आएगी और एक एडमिट कार्ड के बारे में आएगा, तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ये कार्य भी होंगे 15-20 दिन के अंदर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगले माह में ये दो भर्तियों पे काम होंगे जिसकी विज्ञप्ति में कितने पद होंगे इसके बारे में चर्चा कर दी गई और कितने कब तक परीक्षाएं होंगी इसके बारे में भी आप लोगों की क्वेरीज थी। तो कुल मिला के तैयारी करते रहें, परीक्षाएँ जो होंगी वो एटलीस्ट दिसंबर में हो जाएंगी RO की और अच्छी खासी विज्ञप्ति रहेगी। और जिसमें कहते हैं ना प्लेन ग्रेजुएशन यानी कि RO की भर्ती पदों की संख्या अधिक रहेगी अकॉर्डिंग, जिसमें वो लेवल PGTC वगैरह ARO में मांगा जाता है तो वो थोड़ा सा जो है कम रहेंगे पद। और सितंबर माह में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO को देखने को मिलेगी, तो उसके बाद में एक वीडियो बनाकर अपडेट दी जाएगी पदों की संख्या और परीक्षा कब तक वो कंप्लीट होगी भर्ती, क्योंकि ये सब डिसाइड हो जाता है कि इस माह तक भर्ती को कंप्लीट करना है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त।